कराहल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, करोड़ों की दी सौगात, अनेकों योजनाओं का हर वर्ग को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन मेरे शहरिया भाई बहनों के जीवन के लिए आनंद उत्सव का दिन है। आपका अपने मकान का सपना पूरा हो रहा है। हमारा लक्ष्य आपके जीवन में बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों को संकट काल में मुफ्त राशन दिया गया। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में गरीब भाई बहनों को राशन वाहनों द्वारा गांव तक उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास निर्माण के लिए हितग्राही निर्माण सामग्री एक साथ मिलकर बड़ी मात्रा में सामूहिक रूप से ले तो कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा। 29 मार्च को हम रोजगार दिवस मनाएंगे और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए कम से कम प्रदेश के 2,00,000 युवाओं को राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप सभी अपने गांव का वर्ष में एक दिन गौरव दिवस मनाने का संकल्प लीजिए। महेंद्र आर्यन की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है, वो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको राम राम करता हूँ। देखो आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। 19,000 से ज्यादा मकान हमारे गरीब सहरिया भाई और बहनों को मिल रहे हैं, बनाने के लिए राशि दी जा रही है। आज का दिन इस क्षेत्र के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। मेरे बहनों और भाइयों, एक बार फिर ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें, नरेंद्र सिंह तोमर को धन्यवाद दें हमारे नेताजी को, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद दें। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये भारतीय आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।